हेलो दोस्तों, अमेरिकन पीस इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग कहने वाले और सुनने वाले के बीच में अगर समझ विकसित होती है तो सुनने की प्रक्रिया सफल मानी जाती है। हाँ दोस्तों, सुनना एक कला है और सुनने के लिए सिर्फ कान ही नहीं ध्यान की भी ज़रूरत है। दोस्तों पिछले वीडियो में आप जान चुके हैं कि वो कौन कौन सी गलतियां हम करते हैं आम तौर पर हमारे निजी और पारिवारिक रिश्तों में, जिनकी वजह से वो अनसुने रह जाते हैं। इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कि किस तरह से हम आपसी रिश्तों में तकनीक अपनाएं ताकि उनसे रिश्ते सुधर जाएं और उनकी ये शिकायत दूर हो जाए कि हम उन्हें सुनते नहीं हैं। तो इस वीडियो में आप जान पाएंगे वो टेक्निक्स जिनसे आप अपनी लिसनिंग स्किल इम्प्रूव कर पाएंगे। इन तकनीक को अपनाकर आप अपने रिश्तों के और करीब आ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माई चैनल हेमाज पॉजिटिव प्लानेट। दोस्तों, सुनने के लिए दो ही तरह के श्रोता माने जाते हैं। आप जानते हैं, एक्टिव लिसनर और पैसिव लिसनर। पैसिव लिसनर वो होते हैं जहाँ पर उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है सुनने की प्रक्रिया में, यानी वो सिर्फ सुन रहे होते हैं, डेटा कलेक्ट कर रहे होते हैं और सुनने की वो प्रक्रिया पूरी हो रही होती है। लेकिन एक्टिव लिसनर वो होते हैं दोस्तों जहाँ पर ध्यान दिया जाता है, ध्यान से सुना जाता है, यानी अटेंशन दी जाती है। तो इस वीडियो में दी गई ये बातें जानकर आप खुद को आज चेक कर पाएंगे कि आप एक्टिव लिसनर हैं या फिर पैसिव लिसनर हैं। दोस्तों, हम रिश्तों में किस तरह से सुधारें कि सुनने की प्रक्रिया बढ़ती चली जाए, तो पहला काम आपको करना है पे अटेंशन। कोई भी आपका अपना, वो पति हो सकता है, पत्नी हो सकती है, आपके माता पिता, भाई बहन, कोई भी आपके निजी रिश्ते, जब भी आपसे कुछ कहना चाहते हो आप ध्यान दीजिए। अगर आप कोई और एक्टिविटी कर रहे हैं तो उसे रोक दीजिए। मोबाइल पर गेम खेल रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, अपना ध्यान वहाँ से हटाकर अपने उस पारिवारिक रिश्ते के तरफ मोड़िए ताकि आप उन्हें सुन सकें, उन्हें समझ सकें। और जब आप ध्यान देंगे ना, तो सुनने कहने वाले को लगेगा कि उसे सुना जा रहा है और आपका ध्यान देना दोस्तों उन्हें समझ में आता है। जब भी कोई हमारी तरफ फेस करके बैठता है या लगता है कि सामने वाला ध्यान से सुन रहा है, तो हम उसके और करीब हो जाते हैं। तो पहला काम आपको करना है पे अटेंशन। सिर्फ सुनने का बहाना ना करें, सचमुच सुनना शुरू करें। दूसरा पॉइंट ये है कि आप पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज यूज़ करिए। दोस्तों, पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज मतलब सबसे पहली बॉडी लैंग्वेज आई कॉन्टैक्ट। आप आँखों से आँखें मिलाकर बात करिए, आप उनकी तरफ देखिए। आप, हो सकता है उनका हाथ पकड़ के बैठें। आप जिस भी रिश्ते में हैं, चाहे माता पिता के पास बैठ रहे हैं, चाहे आप अपने पति पत्नी के रिश्ते हैं या फिर और दूसरे रिश्ते हैं, आप करीब बैठिए उनके। आपकी बॉडी लैंग्वेज से उन्हें महसूस होना चाहिए कि आप उन्हें सुन रहे हैं। दोस्तों, एक किस्सा यहाँ पर मैं शेयर करना चाहूँगी। किस्सा क्या, एक हकीकत है। एक महिला मेरे पास आई और वो बहुत स्ट्रेस में थी, बहुत परेशान थी और रोते हुए वो मेरे ऑफिस आई और रोते हुए ही अपनी बात कहने लगी। मैंने कुछ नहीं किया, बस उन्हें एक चेयर दी, एक गिलास पानी उन्हें दिया और जब वो बैठने के बाद जब बोलने लगी तो वो लगातार रोते हुए बोल रही थी। तो मुझे लगा इन्हें सुनने की ज़रूरत है। मैं अपनी चेयर से उठी, उनके पास गई और उनके पास वाली चेयर पर बैठकर उनका हाथ पकड़ा और सिर्फ उनको अटेंशन दिया। अपना सारा काम छोड़कर मैंने उन्हें सुना और लगभग 30 मिनट तक वो रोते हुए अपनी बात कहती रही। जो कुछ भी उनके मन में था वो सब उन्होंने बाहर निकाला और मैं सिर्फ उन्हें सुन रही थी। और थोड़ी देर बाद मैंने देखा वो नॉर्मल हो गई और उन्होंने एक बात कही कि काश हमें घर में ऐसे सुन लिया जाए तो हो सकता है हमें बाहर ये प्रॉब्लम लेकर ना जाना पड़े। दोस्तों, ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। हम अपनों को महसूस कराएं, उन्हें उस तरह से हम अपनी बॉडी लैंग्वेज रखें कि हमें अपने दिल खोल सके हमारे सामने। तो ये हमें करना है, पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज यूज़ करनी है। इसके बाद अब तीसरी बात आती है कि आप इंटरप्ट करना बंद करिए। दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में भी आपने देखा कि हम बार बार कोई बोलता है तो हम टोक देते हैं, तो ऐसे टोकना बंद करिए आप। और टोकने के दौरान कई बार ऐसा होता है कि जो टोक रहा है वो कई बार अग्रेसिव मूड में भी आ जाता है, तो आप पोलाइट बने रहिए, अपने टर्न की वेट कीजिए। दोस्तों, जो कुछ भी बोल रहा है वो, हो सकता है उन्हें कहनी नहीं आती अपनी बात, हो सकता है उनकी भाषा ठीक नहीं है, उनका लहजा ठीक नहीं है, या वो किसी और तरह से अपनी बात कर रहे हैं, गुस्से में कह रहे हैं, जैसे भी वो कह रहे हैं, आपके अपने हैं,
उन्हें एहसास कराइए कि आप उन्हें सुनना चाहते हैं, और जब ये एहसास होगा तो दोस्तों उनकी सारी शिकायतें दूर हो जाएंगी। तो उन्हें बार बार टोकिए मत, आप जो कुछ भी कहना चाहते हैं अपनी बारी आने पर कह सकते हैं। थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना होगा दोस्तों, क्योंकि बार बार टोके जाने पर जो कह रहा है उसके मन में एक अलग तरह की असुरक्षा की भावना आ जाती है, वो ट्रस्ट खोने लगता है आप पर से, और ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति के लिए मैं इम्पॉर्टेंट नहीं हूँ, अपनी ही बात इसके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ऐसा मत करिए दोस्तों। इसके बाद आप बहुत सी इम्पॉर्टेंट ऐसी बातें हैं जो आप कर सकते हैं। अब इसको कैसे करना है ये तो आपके आपसी रिश्तों में आप ज़्यादा अच्छे से समझते हैं कि वो किस लेवल का रिश्ता है दोस्तों। अब इसके बाद नेक्स्ट बात आती है कि लिसन विद केयर दोस्तों। लिसन विद केयर में कैसे, आप जब सुन रहे हैं तो सचमुच सुनने के लिए, समझने के लिए सुनिए, सिर्फ सुनने के लिए नहीं। समझने का मतलब वो किस तरह की बात कर रहे हैं आपसे, हो सकता है अपनी ज़िंदगी से जुड़ी बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहे हों, हो सकता है अपने सपनों की, अपनी ख्वाहिशों की बात कर रहे हों, या फिर हो सकता है कोई दर्द उनके मन में है, कोई ऐसी टीस मन में है जो आपसे कहना चाहते हैं। दोस्तों जब आप उन्हें ये एहसास कराएंगे कि हम सुन रहे हैं तो आपके अपने सुरक्षित महसूस करेंगे, उनके मन में प्रेम की भावना ज़्यादा बढ़ेगी, आपके लिए आदर ज़्यादा बढ़ेगा, रेस्पेक्ट ज़्यादा बढ़ेगा। और दोस्तों ये खोने लगता है अगर आप बार बार टोकते हैं या ध्यान नहीं देते हैं या लिसन विद केयर नहीं करते हैं दोस्तों। एक और इम्पॉर्टेंट बात कि कॉन्फिडेंशियल रखना आपके निजी रिश्तों में। दोस्तों जो भी बात आपसे कही जाती है उसे कॉन्फिडेंशियल रखिए, उसे मौका आने पर या किसी भी ऐसे झगड़े में उस बात का ताना मत दीजिए। कई बार ऐसा होता है कि जब इमोशनल मूड होता है तो हमारे अपने बहुत सारी ऐसी बातें हमसे कह देते हैं, लेकिन उन्हीं बातों को हम झगड़े में या किसी इस तरह की लड़ाई में हम वेपन की तरह इस्तेमाल करते हैं। ऐसा मत करिए दोस्तों, कॉन्फिडेंशियल रखिए, उससे आपके रिश्ते मजबूत होंगे, उससे आपके और आपके अपनों के बीच में जो एक गैप आ गया है, जो दूरी आ गई है, वो दूरी मिटेगी दोस्तों। तो ये सारी टेक्निक आप अपना कर अपने रिश्ते सुधार सकते हैं दोस्तों। तो आज आप चेक कर लीजिए कि आप एक्टिव लिसनर हैं या पैसिव लिसनर हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा आपको वीडियो, अपने सजेशंस मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। तो उम्मीद है अच्छा लगा, और अच्छा लगा है आपको वीडियो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बस जाने से पहले यही है कहना कि खुद पर रखिए यकीन और बनिए किसी की उम्मीदों का उजाला। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।